हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं क्लैरियन कंप्यूटर पे। कोलकाता के अंदर ये वाला जो शॉप है बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे कि क्लैरियन कंप्यूटर को यहाँ पे कवर करो। ग्राफिक्स कार्ड का क्या लेटेस्ट प्राइस है यहाँ पे आज हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। सारे जो एनवीडिया का कार्ड है ये आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और लेटेस्ट प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगा कोलकाता के अंदर क्या प्राइसिंग पे यहाँ पे फ्लक्चुएशन आया है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड का प्राइसिंग MSRP पे कब तक आ सकता है, ये सब कुछ आज हम लोग बात करेंगे क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए हम लोग जाते हैं पहले अंदर, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था और हम लोगों के साथ यहाँ पे है विकास सर। तो विकास सर कैसे आप? सो हाय, वेलकम ऑल टू क्लैरियन कंप्यूटर्स वंस अगेन। सो आई एम गुड सर। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया। तो आज हम लोग विकास सर से आज का जो ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस चल रहा है क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर, करेंट मार्केट प्राइस, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर बता दीजिए कि जो ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस ना फॉरेन कंट्री में थोड़ा सा MSRP के आसपास आ रखा है, लेकिन ये इंडिया के अंदर थोड़ा सा अभी मतलब प्राइस थोड़ा सा हाई है। तो कब तक ये जो प्राइस MSRP के आसपास आ सकता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पे सुने आप लोग यहाँ पे सेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी में बता दीजिए। देखिए, प्राइसेस ऐसा है कि प्राइसेस काफ़ी फॉल डाउन हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3-4 मंथ्स बिफोर जो प्राइसेस चल रहे थे उसके कंपैरिजन में प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं। यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाई टिल नवंबर और दिसंबर तक और थोड़े प्राइसेस गिरेंगे ग्रेजुअली जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी चिपसेट की और ब्रांड्स की। सो एक्सपेक्टेड बाई नवंबर और दिसंबर प्राइसेस विल फॉल टू कम टू MSRP लेवल। तो सर हम लोग एक और बात बताना चाहेंगे कि जो आप लोगों का वेबसाइट का प्राइस है एंड आप जो हम लोग को अभी प्राइसिंग देंगे, तो ये दो क्या एकदम सिमिलर रहेगा या थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है? सी देखिए, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। वेबसाइट पे कुछ कॉस्ट लगते हैं, हमारे ऑपरेशनल चार्जेस वगैरह लगते हैं, सो माइट बी दैट प्राइसेस विल डिफर फ्रॉम द स्टोर प्राइसेस, बट हाँ मोर ऑर लेस इक्वल लेवल पे रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। 1.5% 2% का गैप रहता है मैक्स टू मैक्स। ओके, और जो आप सिंगल कार्ड का प्राइस बताएंगे या पीस बिल्ड के साथ? नहीं, अभी मैं जो आपको दूंगा सब सिंगल कार्ड का ही दूंगा, एंड देर इज नथिंग मच डिफरेंस विद द पीसी बिल्ड प्राइसेस, क्योंकि हम जो पीसी बिल्ड के प्रसाद प्राइसिंग देते हैं सिंगल कार्ड के साथ मोर ऑर लेस सेम ही देते हैं। ओके, और इसका जो टैक्स के साथ आएगा, मतलब यस ऑल द प्राइसेस विल बी इंक्लूसिव ऑफ GST। ओके सर, तो हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। जी सर, सबसे छोटे से यहाँ पे चालू करेंगे। सो हम आज बात करेंगे GTX RTX के ऊपर में, राइट। मैं GT सीरीज को कवर नहीं कर रहा हूँ। GT सीरीज में हमारे पास में GT 730, 710, 1030, ऑल दीज कार्ड्स आर अवेलेबल। छोटे वाले कार्ड सब अवेलेबल है। 2GB 4GB के वेरियंट्स में वो आती है, वो हमारे पास में है, वो नॉर्मल PC बिल्ड्स में यूज होता है। बट एक गेमिंग परस्पेक्टिव से मैं अगर बात करूँ तो बेसिकली वो GTX और RTX में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सो GTX सीरीज इट्स from the 1050 Ti basically. So in 1050 Ti we have colorful and we have Inno3D, both the brands we have. हमारे पास में गीगाबाइट में भी अभी अवेलेबल है कार्ड। सो 1050 इज समथिंग अराउंड 17500 के आसपास का प्राइसिंग ये अभी मार्केट में चल रहा है 1050 Ti का। देन इसके ऊपर के सीरीज पे अगर हम आते हैं तो 1050 Ti के ठीक ऊपर में आ जाएगा 1650। तो 1650 के अंदर में हमारे पास में MSI अवेलेबल है, हमारे पास में कलरफुल अवेलेबल है, हमारे पास में Inno3D अवेलेबल है, जो कि मोर ऑर लेस 19500 से लेकर 20000 के ब्रैकेट पे ये मार्केट में अभी ऑपरेट हो रहा है। देन कमिंग बैक टू अगेन आते हैं जो एक बहुत पॉपुलर कार्ड है, जो GTX 1660 सुपर, क्योंकि 1650 सुपर अभी आ नहीं रहा है, तो इसके ठीक ऊपर में 1660 सुपर आ रहा है, जो हमारे पास में ASUS, गीगाबाइट, Inno3D, Zotac सब ब्रांड में अवेलेबल है। यहाँ पे हमने ASUS को फीचर कर रखा है। सो दिस कम्स टू अराउंड 32-33000 के आसपास इसकी प्राइसिंग, अलग अलग प्राइसेस है। सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट प्राइसेस विच आई एम गिविंग, बट हाँ मॉडल टू मॉडल, ब्रांड टू ब्रांड ये वेरी करता है। So, अब आ जाते हैं 1660 के ठीक ऊपर में जो कार्ड आता है वो 2060 आता है। इसमें दो वेरिएंट्स आती थी 6GB 12GB, बट 6GB अभी ये बंद हो गया है, 12GB अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। ये मोर ऑर लेस आप पकड़ के चलिए 38-39000 के आसपास ऑपरेट हो रहा है।
ठीक इसके ऊपर में जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है आज के तारीख में, दैट इज़ 3050 RTX 3050 8GB कार्ड। इसके अंदर में हमारे पास में 4-5 वेरियंट्स अवेलेबल है। हमारे पास Asus, Inno3D, Colorful, Gigabyte, Zotac, ऑल द मॉडल्स आर अवेलेबल। सो ये 3050 जो है ये डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट प्राइसेस है, बट 3050 इज समथिंग स्टार्ट फ्रॉम 32,000 से लेकर 34,000 के बीच में ये ऑपरेट हो रहा है आज के तारीख में। और ये वाला जो कार्ड है सिंगल वेरिएंट है जी, दिस इज अ सिंगल फैन Asus एंड व्हिच कम्स टू अराउंड 32,000 के आसपास। इसका प्राइसिंग 32,000 जी जी। एंड देन अगेन हमारे पास में इसमें Zotac में अवेलेबल है ट्विन एज एम्प अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास में Inno3D अवेलेबल है, ये भी अप्रोक्सीमेट 32,500 के आसपास ऑपरेट हो रहा है। जो थोड़े MSI के जो गेमिंग एक्स मॉडल है वो 34 के आसपास ऑपरेट हो रहे हैं। सो इट्स समथिंग अराउंड 32 से लेके 34 के अंदर में ये पूरे सीरीज अलग अलग मॉडल का अलग अलग ब्रांड का ऑपरेट हो रहा है। RTX 3050 जी सर। इसके ऊपर में जो आता है वो आते हैं 3060 सीरीज। 3060 के अंदर में हमारे पास Gigabyte, Asus, MSI, ऑल द ब्रांड्स आर अवेलेबल, Zotac। सो ये 3060 जो है दिस कम्स इन 12GB वेरियंट्स। सो इसमें जो Zotac का ट्विन एज मॉडल आता है दैट स्टार्ट फ्रॉम 39,500 से लेकर अगेन 41,000 के वेरियंट्स में सारे ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं, 41-42 तक ऑपरेट करते हैं, मोर ऑर लेस 39,000 से चालू है। जिसमें MSI है, जैसे दिस अ गेमिंग एक्स मॉडल, दिस अ प्रीमियम मॉडल, ठीक है, दिस इज अगेन 3060 के अंदर में Gigabyte आता है, ये 3 फैन मॉडल है गेमिंग OC। सो दीज आर ऑल प्रीमियम मॉडल, सो जो मोर ऑर लेस 42-43,000 के आसपास ऑपरेट हो रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू अगेन 3060 के ठीक ऊपर में जो मॉडल अभी चल रहा है वो है 3060 Ti। 3060 Ti ये भी 8GB कार्ड में अवेलेबल आता है। ये हमारे पास में Asus में है, MSI में है, Zotac में है, Gigabyte में है। सो 4-5 ब्रांड्स में अवेलेबल है। सो 3060 Ti इज समथिंग अराउंड, ये भी स्टार्ट होता है 51,000 से लेकर 53,000 के आसपास ये अभी ऑपरेट हो रहा है करंट मार्केटिंग प्राइस। सी मैं जो भी प्राइस बोल रहा हूँ ये अभी की ऑपरेटिंग प्राइस है। प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग, डिमांड सप्लाई के बेस पे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है डिमांड के बेस पे, बट ये अभी का प्रिवलिंग प्राइसेस है, मोर ऑर लेस अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस। जैसे अभी MSI का ये एरो ATX है, दिस इज समथिंग अराउंड 51,000 के आसपास ये 3060 Ti अवेलेबल है। Zotac है, दिस इज समथिंग अराउंड 53,000 के आसपास है 3060 Ti Zotac ट्विन एज। सो सारे प्राइसेस जो हैं वो वैरी करते रहते हैं ब्रांड टू ब्रांड एंड मॉडल टू मॉडल, राइट। सो 3060 Ti के बाद में जो मॉडल अभी मार्केट में आ रहे हैं वो है 3070। 3070 में हमारे पास में Zotac में ट्विन एज OC है जो कि अप्रॉक्सीमेट 63-64,000 के आसपास ये ऑपरेट हो रहा है। 3070 ना जी, यस, दिस इज ओनली 3070 RTX 3070। 3070 के ठीक ऊपर में जो कार्ड आता है वो है 3070 Ti। इसमें हमारे पास में 3 वेरियंट्स हैं। इसमें हमारे पास में Zotac में ट्रिनिटी OC अवेलेबल है, राइट। हमारे पास में MSI का Ventus 3X है। हमारे पास में Asus के ROG Strix है जो कि एक प्रीमियम मॉडल है। सो ऑल दीज कार्ड्स एंड अगेन 3070 Ti जो अभी ऑपरेट चल रहा है 71,000 से लेकर 77,000 के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं मॉडल टू मॉडल एंड ब्रांड टू ब्रांड। सो द बेस प्राइस इज समथिंग अराउंड 71,000 एंड टॉप एंड मॉडल तक वो 78-77,000 तक भी ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर 3070 Ti वी हैव 3080 RTX 3080। 3080 में भी हमारे पास में 2 वेरियंट्स आता है, 10GB एंड 12GB। 10GB के अंदर में हमारे पास में कलरफुल के अंदर में ये अल्ट्रा OC मॉडल है, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉडल, इस इज समथिंग अराउंड अप्रॉक्सीमेट 85-86,000, ठीक है। ठीक इसके ऊपर में हमारे पास में 3080 के अंदर में 12GB में ROG Strix है जो कि 125 के आसपास का कार्ड है। एंड इसमें हमारे पास में Ventus 3X है MSI के अंदर में। इसमें हमारे पास में Asus में टफ एडिशन भी है। सो द ऑल द प्राइसेस आर मोर ऑर लेस 110 से लेकर 120 के बीच में ये ऑपरेट हो रहे हैं 12GB वाले कार्ड। सो नाउ आफ्टर 3080 वी हैव 3080 Ti एंड वी हैव 3090 विच इज़ नॉट एक्चुअली अवेलेबल इन द स्टोर राइट नाउ, वो भी हमारे पास में आज के तारीख में अवेलेबल है। जैसे 130 के आसपास 3080 Ti अवेलेबल है Asus के ROG टफ। वी हैव Zotac ऑल्सो, वी हैव MSI ऑल्सो। सो ऑल दीज कार्ड्स आर रेडीली अवेलेबल विथ अस विच यू कैन ऑल परचेज फ्रॉम आवर वेबसाइट
और यू कैन विजिट टू आवर स्टोर एंड गेट दस प्रोडक्ट्स। सर एक और बात बताइए, यहाँ पे जो आप लोगों का शिपिंग होता है ना, जो ऑर्डर करते हो वेबसाइट के ऊपर से, तो कितने दिन के अंदर ये जो शिपिंग हो जाता है यहाँ से हो जाता है? शिपिंग जो है हम मोस्टली नेक्स्ट डे ही कर देते हैं, विद इन 24 आवर्स के अंदर में ही हमारे यहाँ से शिपिंग हो जाता है। प्रोडक्ट पहुँचते पहुँचते 3 से 4 दिन 5 दिन भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन टू लोकेशन। ओके, तो ये था दोस्तों क्लैरियन कंप्यूटर के अंदर सारे ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस। इस जो वेबसाइट का सारे डिटेल क्लैरियन कंप्यूटर का आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल देखने को मिलेगा, वहां से जाके आप इसको विजिट कर सकते हो। सारे इसका जो लिंक है, सारे जो फोन नंबर, सारे जो एड्रेस आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो देखिए पसंद रहा लगा। बाकी अगर आपको और भी अलग अलग वीडियो देखना है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और भी इस तरीके का कॉन्टेंट हम लोग आप लोगों के सामने यहाँ पे ला के दे पाए।